हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग? उम्मीद करते हो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी एमपीएल में एक न्यू गेम है जिसका नाम है अंदर बाहर। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग उस गेम को खेल सकते हो, और मैंने यहाँ पे दो तीन गेम प्ले भी करके दिखाऊंगा, तो इसलिए आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने गेम के अंदर एंटर कर लिया है। तो जैसे आप लोग गेम के अंदर एंटर कर जाएगी तो आप लोग को टोटल चार तरीके का कॉन्टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पहले तरीके का जो कॉन्टेस्ट है वो कॉन्टेस्ट बाकी तीन तरीके का कॉन्टेस्ट से थोड़ा अलग है। तो लास्ट थ्री तरीके का जो कॉन्टेस्ट है वो लगभग सेम है, लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंस है। तो लास्ट तीन तरीके का जो कंटेस्ट है उसमें फर्क यही है, सेकंड और थर्ड तरीके का कंटेस्ट से आप लोग मैक्सिमम 20 गुना तक प्राइज जीत सकते हो, और फोर्थ तरीके का जो कंटेस्ट है उसके अंदर आप लोग मैक्सिमम 25 गुना तक प्राइज जीत सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो रेक है और रिवेल है उसमें से भी फर्क है, लेकिन उनको आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप लोग नहीं समझेगी तो भी आप लोग गेम को खेल सकते हो। तो इसलिए समझ लो फर्स्ट तरीके का जो कंटेस्ट है वो थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी जो तीन तरीके का कंटेस्ट है वो लगभग सेम है। तो चलिए पहले फर्स्ट तरीके का जो कंटेस्ट है उसके अंदर एंटर करते हैं और आप लोग को अच्छा से समझाते हैं कैसे आप लोग गेम को खेल सकते हो। उसके बाद बाकी तरीके का कंटेस्ट को भी आप लोग को अच्छा से समझाऊंगा उसको आप लोग कैसे खेल सकते हो। तो अभी देख सकते हो मैंने फर्स्ट तरीके का जो कंटेस्ट है उसके अंदर एंटर कर लिया। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने गेम के अंदर एंटर कर लिया। तो अभी यहाँ पे देखो अभी एक गेम यहाँ पे कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो चले इस गेम खत्म होने तक वेट करते हैं, और उसके बाद आप लोग को बताऊंगा कैसे इस गेम को आप लोग खेल सकते हो। तो यहाँ पे वो गेम खत्म हो चुकी है, अभी यहाँ पे एक न्यू गेम स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ऊपर में टोटल 9 कार दिखाएगी, और किस कार कितने नंबर पे यहाँ पे डेक में है आप लोग को दिखाई देगी। तो चलिए इस 9 कार का मतलब थोड़ा बहुत अच्छा से आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहला जो कार्ड है 5, उसके नीचे यहाँ पे देखो 17 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है, यहाँ पे अभी जो गेम स्टार्ट होगा तो उस गेम जो कार की बांडल से खेला जाएगी उस कार की बांडल में 17 नंबर में इस क्लब का 5 है, मतलब 16 कार के बाद क्लब का 5 का कार्ड उस बांडल में है। उसके अलावा यहाँ पे उसके बाद जो कार्ड यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है जे डायमंड का जे, उसके नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे लिखा है 24th। इसका मतलब यही है जो कार की बांडल से ये गेम खेला जाएगी उस कार की बांडल में 24th नंबर में जे कार है, मतलब डायमंड का जे 24th नंबर में है। तो यही है यहाँ पे हर एक कार का मतलब। यहाँ पे 9 कार आप लोग को दिखाई दे रहा है, और 9 कार के नीचे हर कार का पोजीशन क्या है कार की बांडल में वो भी आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, एक बार अच्छा से देख लेना है कौन सी कार कितने नंबर में है। हालांकि फर्स्ट तरीके का जो कंटेस्ट है उसमें इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में जो 3 तरीके का कंटेस्ट है उसमें आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल में आप लोगों को एक कार्ड दिखाई देगी, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 15 सेकंड मिलेगी, उसके अंदर आप लोग क्या करना है यहाँ पे पैसा लगाना है। अभी चलते आप लोग को तो कैसे आप लोग यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पे आप लोग दो साइड में पैसा लगा सकते हो, एक साइड अंदर साइड और एक साइड बाहर साइड। तो दो साइड में से किसी भी एक साइड यहाँ पे जीतेगी। तो अगर आप लोग चाहो तो दो साइड में ही पैसा लगा सकते हो, लेकिन उसमें आप लोगों का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। और यहाँ पे पिछले 8 या 10 बार कौन सी साइड जीता है आप लोग अगर देखना चाहते हो तो ऊपर में आप लोग ट्रेंड को देख सकते हो। तो पैसा लगाने के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो कॉइन आप लोग को दिख रहा है उसके ऊपर टैप करके यहाँ पे कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे कॉइन के ऊपर आप लोग टैप करोगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ और 25 रुपीज़ और 50 रुपीज़ का कॉइन आ जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा यहाँ पे रुपीज़ का जो कॉइन है उसको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप लोग कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कम रुपीज़ का जो कॉइन है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 रुपीज़ का जो कॉइन है उसको ही सिलेक्ट करके रखते हैं। अभी यहाँ पे अंदर या बाहर के ऊपर अगर आप लोग एक बार टैप करोगे ना और उसके बाद प्ले का जो ऑप्शन आएगी उसके ऊपर टैप कर दोगे तो यहाँ पे 1 रुपीज़ इस गेम में लग जाएगी। ऐसे ही अगर आप लोग 2 बार टैप करोगे उसके बाद प्ले के ऊपर टैप करोगे तो 2 रुपीज़ लग जाएगी। ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पे 50 रुपीज़ का कॉइन सिलेक्ट करके रखते हो और एक बार अंदर या बाहर के ऊपर टैप कर देते हो और उसके बाद यहाँ पे प्ले का ऑप्शन के ऊपर टैप कर देते हो तो अंदर या बाहर के ऊपर 50 रुपीज़ लग जाएगी। ऐसे ही अगर आप लोग 50 रुपीज़ का कॉइन सिलेक्ट करके रखते हो और 2 बार अंदर या बाहर के ऊपर टैप कर देते हो और उसके बाद प्ले का ऑप्शन के ऊपर टैप कर देते हो तो यहाँ पे 100 रुपीज़ गेम में लग जाएगी। ऐसे ही आप लोग गेम में पैसा लगा सकते हो, ये तो आप लोग को बता दिया। तो आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस गेम को खेल रहे हो ना तो 1 रुपीज़ का जो कॉइन है उससे ही खेलो और ज़्यादा पैसा मत लगा। तो अभी चलते आप लोग को बता दो कैसे आप लोग यहाँ पे गेम को जीत सकते हो। तो देखो जैसे ही यहाँ पे आप लोग पैसा लगा दोगे तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर में जो कार का बंडल है उससे एक एक कार करके यहाँ पे आती रहेगी। पहला एक कार अगर अंदर की तरह आता है तो नेक्स्ट जो कार आएगी वो बाहर की तरह आएगी, ऐसे ही आती रहेगी। तो अभी मिडिल में जो कार है ना, तो जैसे अभी 9 है तो उस टाइप का और भी 3 कार यहाँ पे ऊपर में कार का बंडल में रहेगी। तो उसमें से किसी भी एक कार अगर अंदर या बाहर की तरह आ जाता है तो वहाँ पे ही जाके गेम रुक जाएगी, और अगर अंदर में आके गेम रुक जाता है तो अंदर यहाँ पे जीत जाएगी, और अगर बाहर में आके गेम रुक जाता है तो बाहर यहाँ पे जीत जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग जीत सकते। और यहाँ पे अगर आप लोग अंदर में पैसा लगा के रखते हो और अंदर जीत जाता है तो आप लोग जितना पैसा लगा के रखोगे उसका 1.9 गुना आप लोग जीत पाओगे, और अगर आप लोग बाहर में पैसा लगा के रखते हो तो आप लोग जितना पैसा लगा के रखोगे उसका 2 गुना पैसा आप लोग जीत जाओगे। तो यहाँ पे मैंने अंदर के अंदर एक बार टैप कर दिया, अब यहाँ पे प्ले का जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप कर देते, और यहाँ पे मैंने प्ले का ऑप्शन के ऊपर टैप कर दिया। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते क्या मैं अभी यहाँ पे जीत पाता हूँ या हार जाता हूँ।
तो यहाँ पे देखो मिडिल में अभी 9 कार्ड है, तो यहाँ पे अंदर में अगर किसी भी टाइप का 9 आ जाता है, बाकी जो 3 टाइप का 9 है, तो यहाँ पे अंदर जीत जाएगी, और अगर बाहर में आता है तो बाहर जीत जाएगी, मैं तो हार जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखो बाहर में और एक अलग टाइप का 9 आ चुकी है, और यहाँ पे बाहर जीत गए, मैं यहाँ पे हार गया। कोई बात नहीं है, फिर से और एक बार लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे मैं जीतता हूँ या हार जाता हूँ। तो इस बार मैं 2 रुपीज लगाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो मिडिल में क्या है, 5 आ चुकी है। तो अभी यहाँ पे मैं बाहर में 1 रुपीज लगा दिया है पहले ही, चलिए और 1 रुपीज लगा देते, टोटल 2 रुपीज बाहर में लगा देते। तो यहाँ पे 2 रुपीज टोटल लगा दिया। अभी यहाँ पे प्ले का जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप कर दिया। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या अंदर जीतता है या बाहर जीतता है। तो अभी चलिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, यहाँ पे जब तक कार्ड आता है तब तक वेट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो बाहर में यहाँ पे और एक टाइप का 5 आ चुकी है, और यहाँ पे देखो मैंने 2 रुपीज लगाया था और यहाँ पे 4 रुपीज मैंने जीत गया। तो अभी चलते हैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देते और जो बाकी 3 टाइप का कंटेस्ट है उसके अंदर एंटर करते और आप लोग बताते उसमें आप लोग कैसे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैक कर लिया। अभी यहाँ पे सेकंड टाइप का जो कंटेस्ट है बिगिनर कंटेस्ट है, तो उसके अंदर ही एंटर कर लेते और आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग खेल सकते। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को वेट करना। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो गेम के अंदर एंटर कर लिया और एक गेम यहाँ पे खत्म भी हो चुकी है। नेक्स्ट गेम यहाँ पे देखो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ कार्ड दिखाई देगी, लेकिन पहले आप लोगों को 10 कार्ड दिखाई देता था, लेकिन अभी इस कंटेस्ट में आप लोगों को 5 कार्ड ही दिखाई देगी और हर एक कार्ड का रैंक यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगी, जिसके बारे में मैंने बता दिया। तो रैंक का मतलब क्या होता है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पहले की तरह यहाँ पे आप लोगों को मिड में एक कार्ड दिखाई देगी, और उसके बाद आप लोगों को 15 सेकंड का टाइम मिलेगी, और उसके अंदर आप लोग क्या करना है, पैसा लगाना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी आप लोग पहले की तरह अंदर या बाहर में पैसा लगा सकते हो, और अगर आप लोग सही से पैसा लगाते हो, मतलब अंदर में पैसा लगाते हो अंदर जीत जाता है तो आप लोग को यहाँ पे पैसा मिल जाएगी, और अगर आप लोग बाहर में पैसा लगाते हो और बाहर जीत जाता है तो आप लोग को पैसा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग उल्टा पैसा लगाते हो, जैसे अंदर में लगाते हो बाहर जीत जाता है, तो आप लोग हार जाओगे। लेकिन यहाँ पे और एक तरीके से आप लोग यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। यहाँ पे नीचे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पहला घर में 1 से लेकर 8 तक दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट घर में 9 से लेकर 16 तक दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो घर है उसमें 17 से 24 आप लोग को दिखाई, और यहाँ पे 25 से 32 आप लोग को दिखाई दे रहा है एक घर में, और एक घर में यहाँ पे 33 से 39 तक दिखाई दे रहा है, और एक घर में आप लोग को 40 से 46 तक दिखाई दे रहा है। तो इन घरों का मतलब क्या है अभी आप लोग को बता दो। उससे पहले आप लोग को बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी घर है ना नीचे, हर एक घर में आप लोग पैसा लगा सकते हो और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा जीत भी सकते हो, अगर आप लोगों का गेस यहाँ पे सही होता है। और घर में पैसा लगाने के लिए आप लोग क्या करना है, जिस घर में आप लोग पैसा लगाना चाहते हो उस घर के ऊपर आप लोग को टैप करना है, और उसके बाद प्ले का ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कैसे आप लोगों ने घर के ऊपर पैसा लगा सकते हो। अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग जीत सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया, मिडिल में जो कार्ड रहता है उस कार्ड का जो भी नंबर होता है, उस नंबर का कार्ड जैसे ही अंदर या बाहर के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे गेम खत्म हो जाता है। तो गेम खत्म होने के टाइम जितना भी कार अंदर या बाहर में टोटल आता है उस नंबर आप लोगों को मिडिल में दिखाई देता है, और उस नंबर जिस घर का नंबर के साथ मैच करता है तो वो घर जीत जाता है। जैसे समझ लो गेम खत्म होने से पहले 1 से लेकर 8 तक कार अंदर या बाहर मिला के आ जाता है तो यहाँ पे पहला जो घर है वो जीत जाता है। ऐसे ही अगर गेम खत्म होने से पहले तक 9 से लेकर 16 तक कार आ जाता है तो सेकेंड जो घर है वो जीत जाता है। उसके अलावा अगर गेम खत्म होने से पहले तक 17 से लेकर 24 तक कार आ जाता है तो थर्ड घर जीत जाता है। ऐसे ही अगर 25 से लेकर 32 कार आ जाता है गेम खत्म होने से पहले तक तो यहाँ पे फोर्थ जो घर है वो जीत जाता है। उसके अलावा यहाँ पे 33 से लेकर 39 तक कार अगर आ जाता है गेम खत्म होने से पहले तो यहाँ पे फिफ्थ जो घर है वो जीत जाता है। उसके अलावा गेम खत्म होने से पहले तक अगर 40 से लेकर 48 तक कार आ जाता है तो लास्ट जो घर है वो जीत जाता है। और अगर आप लोग फर्स्ट घर में पैसा रखते हो और फर्स्ट घर जीत जाता है तो जितना पैसा आप लोग रखोगे उसका 2.4 गुना पैसा आप लोग को मिलेगी, और सेकंड घर से आप लोग 3.5 गुना पैसा जीत सकते हो, और थर्ड घर से आप लोग 5.5 गुना पैसा जीत सकते हो, और फोर्थ घर से आप लोग 8 गुना पैसा जीत सकते हो, और उसके बाद जो फिफ्थ घर है उससे आप लोग 14 गुना तक पैसा जीत सकते हो, और उसके अलावा लास्ट जो घर है उसमें अगर आप लोग पैसा रखते हो और अगर आप लोग जीत जाते हो तो आप लोग जितना पैसा उस घर में रखोगे तो उसका 20 गुना पैसा आप लोग जीत जाओगे। तो चलिए एक गेम खेल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कैसे खेलना है। तो अभी यहाँ पे सेकंड जगह है उसके अंदर मैंने 1 रुपीज लगाऊंगा, और यहाँ पे देखो मैंने 1 रुपीज लगा दिया। अभी यहाँ पे प्ले का ऑप्शन के ऊपर टैप कर दे। अभी देखते हैं क्या मैं जीतता हूँ या हार जाता हूँ। अभी चलते हैं यहाँ पे 8 सेकंड वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या मैं हारता हूँ या जीत जाता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे लगभग टाइम खत्म होने वाला है, और यहाँ पे टाइम खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगी अभी। और यहाँ पे देखो गेम स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी कितना कार आ चुकी है, 5, 6, 7 कार आ चुकी है, 8 कार आ चुकी है, 9 कार आ चुकी है, 10, 11। और यहाँ पे देखो 11 कार आने के बाद ही यहाँ पे गेम खत्म हो चुकी है, क्योंकि देखो यहाँ पे मिडिल में जे था और एक कलर का जे यहाँ पे अंदर में आ चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे गेम खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे गेम खत्म होने तक टोटल 11 कार आया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सेकंड में जो घर है उसके अंदर ही 11 आता है, क्योंकि उस घर के अंदर 9 से लेकर
16 तक नंबर है, तो 9 से लेकर 16 तक नंबर के अंदर ही 11 आता है, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड घर जीत गया। और मैंने सेकंड घर के ऊपर पैसा लगा के रखा था, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे जीत लिया। यहाँ पे मैंने सेकंड घर के ऊपर 1 रुपीज़ लगा के रखा था, उसका 3.5 गुना मतलब 3.5 रुपीज़ यहाँ पे मुझे मिल चुकी है, मतलब मेरा 2.5 रुपीज़ लगभग प्रॉफिट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को डिटेल में समझा दिया कैसे आप लोग इस गेम को खेल सकते हो, और हर एक रूल को आप लोग को अच्छा से समझा दिया। और मैंने यहाँ पे कुछ गेम आप लोग को खेल के भी दिखा दिया ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी आप लोग को एक ही बात बताना चाहूँगा, ये गेम बहुत ज़्यादा लाख के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए अगर आप लोग खेल रहे हो तो छोटा एंट्रीपी का गेम ही खेलो, ज़्यादा एंट्रीपी का गेम मत खेलो। अगर आप लोग ज़्यादा एंट्रीपी का गेम खेल रहे हो तो खुद की रिस्क में खेलो। और अगर आप लोग इस गेम को खेल रहे हो तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो ही खेलो, नहीं तो मत खेलो। ज़रूरत की पैसे से इस गेम मत खेलो, और मेनली एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए खेलो। अगर आप यही सोच के खेलोगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। अगर आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, आप लोगों का कुछ भी फायदा हुआ, तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दो ताकि अगली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।